निफ्टी आपके स्क्रीन पर 24 पॉइंट्स की वीकनेस लेकर 8603 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन अब आपको बता देते हैं एक ऐसा स्टॉक जो कि आज इंट्राडे में आपको बेनिफिट्स दे सकता है। रुक कर लेते हैं टुडेज ट्रेड का। टुडेज ट्रेड में हर रोज एक स्टॉक हम आपके लिए पिक करते हैं और इस स्टॉक को फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों ही बिहाफ पर पिक किया जाता है। आज का शेयर कौन सा है वीरेंद्र से जान लेते हैं। बताइए वीरेंद्र कौन सा स्टॉक है। दीपाली देखिए आज का जो स्टॉक है ना मैं उसकी प्रॉपर्टी समझाता हूँ। पहले दीपाली ट्रेडर बन के आएंगे तो पैसा कमाएंगे, लेकिन इन्वेस्टर के तौर पर आएंगे ना तो वेल्थ क्रिएट करेंगे अपने लिए। ये इस वक्त का सबसे फेवरेट स्टॉक है। शुक्रवार के वॉल्यूम्स अगर मैं वॉल्यूम्स के ट्रेजेक्ट्री में इसका एवरेज डाल दूँ ना 50 डे का एवरेज वॉल्यूम उससे दोगुना था। प्राज इंडस्ट्रीज 91.95 पे। आप इसके पिछले हफ्ते के जरा प्राइस बिहेवियर को देखिए प्लीज़। अगर आप इसके एक बार शुक्रवार के प्राइस बिहेवियर को दिखाइए 95 का हाई लगाया बाजार के साथ थोड़ा सा नीचे आया लेकिन ऑलमोस्ट आके 92 के क्लस्टर बंद हुआ। लेकिन आप देखिए इसका जरा एक बार चार्ट देखिए इसने क्या किया। डेली चार्ट्स पे 50 डे मा 100 डे मा 200 डे मा सबके ऊपर बंद हुआ। जाइए वीकली चार्ट्स पे देखिए, वीकली चार्ट्स पे भी अगर आप देखें सारे एवरेजेस के ऊपर 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 105 का तो बहुत शॉर्ट टर्म टारगेट होगा। लेकिन इसके पीछे अगर आप देखें सबसे बड़ी जो बात है ना वो है इथेनॉल ऑयल रिफॉर्म्स। नई इथेनॉल पॉलिसी जो है उसके आने की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ये सोर्सेस के हवाले से खबर भी आ रही है। तो याद रखिए टेक्निकल सेटअप रिफॉर्म्स और साथ ही साथ न्यूज़ फ्लो इस स्टॉक का इंतज़ार कर रहा है। जब ये पॉलिसी आएगी उसके बाद एथेनॉल मिनिस्ट्री की तब एथेनॉल की जो दामों को क्रूड के दामों से जोड़ा जा सकेगा। वहाँ पर अगर आप देखें तो शायद एक सबसे बड़ा ट्रिगर होगा इस कंपनी के लिए और थोड़ा सा ये नेगेटिव होगा शुगर कंपनियों के लिए। लेकिन प्राज इंडस्ट्रीज़ के लिए अगर आप देखें ये पूरा का पूरा एथेनॉल रिफॉर्म्स ऑयल रिफॉर्म्स का जो कड़ी है ना ये सबसे बेहतरीन ट्रिगर है। और मैं आपको बताऊं मैं हालांकि फंडामेंटल न्यूज़ फ्लो पे बहुत फोकस नहीं करता, मैं सिर्फ टेक्निकल से फोकस करता हूं। पिछले अगर आप इसके हफ्ते के वॉल्यूम्स को देखें, पिछले हफ्ते के वॉल्यूम्स को 5-7 दिन का जो वॉल्यूम्स है ना इसके औसत वॉल्यूम्स जो रहा है 2016 में फरवरी में जनवरी में मार्च में अप्रैल में मई में जून जुलाई में उससे कहीं स्ट्रांग है, कहीं स्ट्रांग है। तो 105 का तो शॉर्ट टर्म टारगेट होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग खुल भी सकता है ये क्योंकि शुक्रवार को प्राइस बिहेवियर इसका ऐसा ही था कि मोमेंटम 95 के ऊपर जनरेट हो रहा है। लेकिन शायद अगर मेरे को ये ट्रेड करना होता तो मैं ट्रेड नहीं करता, मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करता। ये वीकली चार्ट इंडिकेट कर रहा है कि बॉस कम से कम 115 से 120 मिड टर्म में पॉसिबल है, यानी करीब करीब 2500 रुपये का मूव दे पा रही। इसमें इथेनॉल की स्टोरी है, आपको याद रखिए लास्ट मंथ एक स्टोरी डेवलप हुई थी डेल्टा कॉर्प में, ठीक ऐसा ही मूव ऐसा ही प्राइस बिहेवियर इस स्टॉक में भी। डेल्टा याद रखिए 91 से 147 हो गया था, इस पर नजर रख के चलिएगा। बता रहा हूँ आपको यहाँ पर टेक्निकल सेटअप बहुत स्ट्रॉन्ग। गौरांग आप कुछ कहना चाहेंगे इथेनॉल स्टोरी पर? मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते भी वीरेंद्र कुछ क्रूड ऑयल के भाव को लेकर के और पेट्रोल और डीजल के भाव को लेकर के जो नीचे की तरफ का दायरा दिया तो सरकार का और ऑयल मिनिस्ट्री का एक वक्तव्य ये था कि एथेनॉल के दाम भी घटाए जाए और उस परिस्थिति में मेरे ख्याल से चीनी कंपनियों को थोड़ा बहुत नुकसान झेलना पड़ सकता है अगर एथेनॉल के जो पर लीटर के दाम है वो घटाए गए। और पैरिटी करने की बात की थी, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर कच्चा तेल नीचे जाता है तो पेट्रोल डीजल और एथेनॉल के दाम नीचे आएंगे और ऊपर जाता है तो इन सब के दाम ऊपर जाएंगे। उस परिस्थिति में ये देखना जरूरी होगा कि क्या डेवलपमेंट होती है। ओवरऑल कवरेज कोई चीनी क्षेत्र पर की कंपनियों पर नहीं है, सिर्फ बलरामपुर चीनी पर थी और वहां पर हमारे लक्ष्य मुकम्मल हो चुके हैं। कुछ और स्टॉक्स जहां पर न्यूज फ्लो है उनमें एक भारत फाइनेंशियल रहेगा। खबर है 25 करोड़ के कमर्शियल पेपर जारी करने की योजना है कंपनी की। एक सिटी केबल $10 करोड़ जुटाने को बोर्ड की ओर से अप्रूवल मिला है। सिटी केबल भी आज खबरों में है, लेकिन एविएशन स्टॉक्स पर आप फोकस कर सकते हैं क्योंकि सरकार ने रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कदम उठाया है और एक्साइज ड्यूटी जो लगती है ATF पर उसमें कटौती की है, 2% के आसपास की कटौती की गई है। डेफिनेटली एक पॉजिटिव खबर है एविएशन कंपनियों के लिए जिनमें स्पाइस जेट इंडिगो जेट एवेज इन पर आप फोकस कर सकते हैं। जय कुछ चुनना चाहेंगे आज के लिए स्टॉक एविएशन से? दीपाली पूरे एविएशन सेक्टर में एक स्टॉक जो मुझे बहुत पसंद आ रहा है वो है जेट एयरवेज और मैं ये कहना भी चाहूँगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को ये स्टॉक रेकमेंड भी किया है। खास बात ये स्टॉक की कि दीपाली ये स्टॉक ने जो हिसाब से एक बड़ा ब्रेकआउट दिया था यू नो समवेयर अराउंड इन 2015 नवंबर, उसके बाद एक अच्छा मूव देखने मिला हमें 750-800 लेवल तक और उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। अब जो रिस्क है
आई थिंक ऑन द डाउन साइड काफ़ी कम हो चुका है. आई डोंट थिंक अब वो प्रीवियस लोज ब्रेक करेगा उसके 477-478 के. सो आई थिंक पोजिशनल बेसिस पर अगर किसे पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना है या तो यू नो मीडियम टर्म बेसिस पर बाय और होल्ड करना है और फिर हाई लेवल्स पर बेचना है तो आई थिंक विद दैट एज अ स्टॉप लॉस बाय कर सकते हैं जेट एयरवेज. मैं जो टारगेट देख रहा हूँ इमीडिएटली वो है 670 गोइंग फॉरवर्ड. आई थिंक ये लेवल्स यू नो अचीव कर सकता है और उसके ऊपर तो डेफिनेटली उसके जो प्रीवियस हाइज बने थे वो आएंगे. तो आई थिंक बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड अगर कोई स्टॉक में है ना पूरे सेक्टर में दीपाली तो आई थिंक दैट इज जेट एयरवेज. राजेश दो तीन स्टॉक्स को और देखते हैं जो कि बहुत बहुत बुलिश हैं इस खराब बाजार में भी. एक आप देखिए UBL को 826 पे इसकी क्लोजिंग है शुक्रवार को स्ट्रॉन्ग मूव डे विथ इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग था. और एक आप देखिए आरकॉम को 54.40 स्ट्राइक किया 2.5 रुपये ऊपर करीब करीब 5% की तेजी थी. और इनफैक्ट मैं एक बात और जोड़ दूँ यहाँ पर राजेश ये पूरा का पूरा ADG स्पेस आर कैप आर इंफ्रा आई मीन ये कुछ ना कुछ हरकत में आए हैं. इनमें से क्या ट्रेड करेंगे आप अलॉन्ग विद UBL? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल UBL 820 के आसपास का इसका क्लोज है. मुझे लगता है कि इसका जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो बहुत ही स्ट्रांग है. क्लियर कट राइजिंग चैनल फॉर्मेशन है. इसका अपर टारगेट रहेगा रफली 860. ADAG पैक में देखिए मुझे लगता है कि ADAG पैक में जो फ्रेश ब्रेकआउट आया वो आपने सही चुना कि आरकॉम में फ्रेश ब्रेकआउट है. आरकॉम हम देखते थे आरकॉम रफली जो इसका जो ट्रेडिंग बैंड था दैट वॉज समवेयर 48 and 50 to 51, 50 and 52. परसों के दिन बहुत अच्छा एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला है. 200 DMA लेवल भी उसने ब्रेक किया और वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया. तो मुझे लगता है आगे चल के आरकॉम में बाइंग रहेगा और रफली इसका जो टारगेट रहेगा दैट विल बी 61-62. सो वन कैन गो लॉन्ग इन आरकॉम. योर स्टॉप लॉस हैज टू बी समवेयर नियर 50 एंड योर टारगेट विल बी 61-62 लेवल. जी तो रिलायंस कम्युनिकेशन पर बायस पॉजिटिव रख सकते हैं सर राजेश मानते हैं. और ऐसी खबरें भी हैं इस हफ्ते ASL के साथ जो मर्जर है उसको लेकर एक फाइनल अनाउंसमेंट आ सकती है ऐसा हर्ड ऑन द स्ट्रीट है. स्टॉक 53.95 के लेवल पर बंद हुआ था प्रीवियस सेशन में. कुछ देर पहले हम टाटा मोटर्स की बात कर रहे थे. आपको ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट्स भी बता देते हैं. पोस्ट अर्निंग्स जो आई हैं मैक्वायरी ने आउट परफॉर्म रेटिंग दी है टाटा मोटर्स को. जो टारगेट्स हैं उनको भी इंक्रीज किया है. 535 से बढ़ाकर जो टारगेट्स हैं वो 600 के किए. उन्होंने कहा है कि कुछ देशों में जो प्रदर्शन है वो थोड़ा सा खराब जरूर रहा है लेकिन जो JLR के EBITDA मार्जिन हैं वो 13.8% के आसपास रहे हैं. नए मॉडल्स भी कंपनी लॉन्च कर रही है जिससे कंपनी को वॉल्यूम ग्रोथ को मेंटेन करने में और इम्प्रूव करने में फायदा पहुंचेगा. और 17 में घरेलू कारोबार के सभी सेगमेंट में भी अच्छी ग्रोथ संभव है ऐसा मैक्वायरी का मानना है. तो अच्छी रेटिंग यहां पर दी है मैक्वायरी ने. वहीं डॉयशे बैंक ने भी टाटा मोटर्स पर होल्ड रेटिंग बरकरार रखी है टारगेट्स को इंक्रीज किया है. लेकिन टाटा मोटर्स पर ऑलरेडी गौरांग अपना कमेंट शेयर कर चुके हैं इसीलिए हम बात कर लेते हैं जुबिलेंट लाइफ की. इस पर भी मैक्वायरी की रिपोर्ट आई है. गौरांग मैं आपकी कमेंट लूंगी. मैक्वायरी ने जो टारगेट्स हैं उनको इंक्रीज किया है 440 से बढ़ाकर अब 590 के टारगेट्स की बात कर रहे हैं. लेकिन आपको भी मैं इसलिए जानना चाहती हूँ क्योंकि आप देखिए हाल ही के अर्निंग्स वो स्टॉक के इस कंपनी के काफ़ी स्ट्रांग रहे थे और स्टॉक ने बीते दो महीने में एक स्ट्रांग रनअप दिया भी है. 300 रुपये का शेयर अब 500-550 का हो चुका है. अभी भी होल्ड करना चाहिए या फिर यहाँ आकर थोड़ी सी मुनाफा वसूली कर लें? दीपाली हमारी कवरेज और बुनियादी तौर पर आकलन जो हम करते हैं उसके हिसाब से जो लक्ष्यांक हमने निर्धारित किए थे उससे ऊपर चला गया और पिछले दो महीनों में जैसे आप सही जिक्र कर रहे थे करीबन 200-250 रुपए के ऊपर की तरफ के दायरे हमने देखे हैं. अब मैं तिमाही नतीजे जो आने वाले हैं या फिर जो आ चुके हैं उसको अगर कंसिडर करता हूँ और मौजूदा भाव अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ से नए पैसे लगाने की तो मैं कवायद बिल्कुल ही नहीं करूँगा. हाँ लेकिन अगर मुनाफा है जोखिम झेलने की क्षमता कम है तो आपको मुनाफा वसूली करनी चाहिए. जी